व्हाट्सएप पर मैं बोलकर मैसेज कैसे भेज सकती हूँ। मैं आपको व्हाट्सएप पर बोलकर मैसेज भेजने के लिए एक बहुत ही उपयोगी तरीके के बारे में बताती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं अपना संदेश अपने परिवार और उन लोगों को बिना टाइप किए भेज सकती हूँ जिनसे मुझे बात करनी है। कभी कभी लोग बिजी होते हैं और कॉल का जवाब नहीं दे पाते, लेकिन आप बोलकर मैसेज के जरिए बहुत आसानी से उनसे बात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका कोई सवाल है तो आप और आपके बच्चे बोलकर मैसेज भेजकर स्कूल टीचर से पूछ सकते हैं, या आप अपने राशन की दुकान वाले से ये पूछ सकते हैं कि आपको हर महीने राशन कब मिलने वाला है। और सबसे बढ़िया इस्तेमाल ये है कि मैं बोलकर मैसेज के जरिए अपने बच्चों से बात कर सकती हूँ जो शहर में रहते हैं। फोन पर बात करने के लिए समय निकाल पाना जरा मुश्किल होता है, लेकिन बोलकर मैसेज भेजने से हम आसानी से एक दूसरे की आवाज़ को सुन सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे करते हैं, फिर आप भी कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं अपना फोन उठाती हूँ। अब व्हाट्सएप को ढूंढती हूँ, इससे मैं लोगों के साथ जुड़ सकती हूँ। व्हाट्सएप थोड़ा थोड़ा SMS की तरह होता है, लेकिन इसमें आप अपने संदेश, फोटो और यहाँ तक कि अपने वीडियो भी भेज सकते हैं। मैंने अपने फोन की स्क्रीन पर व्हाट्सएप का बटन ढूंढ लिया। इस पर हरे रंग के बैकग्राउंड पर सफेद फोन जैसा निशान होता है। मैं इसे खोलने के लिए व्हाट्सएप बटन दबाती हूँ। फिर किसी से भी नई बातचीत शुरू करने के लिए मैं बटन को दबाती हूँ। याद रखिए, ये एक लकीरों वाले छोटे बॉक्स की तरह दिखता है और या तो ऊपर होता है या नीचे कोने में होता है। अब मेरे सामने नामों की एक सूची खुलती है। ये वो सभी लोग हैं जिनसे मैं व्हाट्सएप पर बात कर सकती हूँ। जिनसे आप व्हाट्सएप पर बात करना चाहते हैं, उनका नंबर आपके फोन में सेव होना चाहिए और उनके फोन में भी व्हाट्सएप होना चाहिए। मैं अपनी बेटी का नाम चुनती हूँ। अब संदेश भेज सकती हूँ। मुझे टाइप करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे टाइप करने की जरूरत भी नहीं है। मैं अपना संदेश थोड़ा ऊंची आवाज में बोलकर उसे रिकॉर्ड कर सकती हूँ। मुझे इस बटन को दबाना होगा। ये मेरी स्क्रीन के कोने में होता है। हो सकता है कि ये कीपैड के सेंटर में हो। बटन पर आप एक फोटो देखेंगे जिसे माइक कहते हैं। इस तस्वीर को याद रखिए। आप इंटरनेट पर इसे कई जगहों पर देख सकते हैं। जब आप इसे दबाएंगे तो आप लिखने के बजाय अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक को दबाकर मैं अपना संदेश बोलती हूँ। बेटी, क्या तुम अच्छी तरह खा पी रही हो? मुझे उस नई योजना में रजिस्टर कराने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं इसे कैसे करूँ? जब आप बोल रहे हो तो माइक को दबा कर रखे। बटन को तभी छोड़े जब आपका संदेश पूरा हो जाए। जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे, आपका संदेश खुद ही चला जाएगा। सही के दो निशान आपको दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि उसे मेरा संदेश मिल गया। देखिए, उसने मुझे जवाब भी भेज दिया। इसे सुनने के लिए बस मुझे इस तीर के निशान की तरह दिखने वाले बटन को दबाना होगा। जब मेरे बच्चे घर पर थे तो वो लोगों को संदेश भेजने में मेरी मदद करते थे। अब वो नहीं है तो ये मुझे खुद से ही सीखना होगा। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन जब मैंने इसे बार बार किया तो ये आसान लगने लगा। अब मैं व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके अपने पूरे परिवार ही नहीं बल्कि अपने पूरे समाज के साथ जुड़ी हुई हूँ। याद रखिए, किसी भी नई चीज को सीखने में थोड़े से अभ्यास की जरूरत होती है। तो जब तक आप सीख ना जाएं, इस वीडियो को बार बार देखिए और इसके हर भाग को दोहराने की कोशिश कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। तो अभ्यास करते रहिए।